स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन कोर्स मटेरियल में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्लास इलेवेंथ का जो चैप्टर सेट चल रहा है अपना, उसका पार्ट फोर। स्टूडेंट्स देखिए, आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ये क्या होता है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू एंड विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। ए डैश से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट करते हैं। मीन्स इसका यह मतलब है कि जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं और ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा दें तो जो ए सेट में एलिमेंट नहीं है वो ए डैश में आ जाए, उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए आप, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। लेट यू इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक। एक सेट और लिया मैंने, ए इक्वल्स टू 2, 4, 6 सेट। देखिए आप, ये जो 2, 4, 6 सेट एलिमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट से हम हटा दें तो जो बचते एलिमेंट्स हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास रहेंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड इट इज सेट टू बी ए डैश, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम। यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक सेट ए दे रखा है 2, 3। एक और सेट दे रखा है बी 3, 4, 5। हमको निकालना है ए डैश, बी डैश, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी, और फिर शो करना है ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए आप ध्यान से इसका सॉल्यूशन। गिवन दैट यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेट ए दे रखा है 2, 3, बी सेट दे रखा है 3, 4, 5। यहाँ पर ए डैश हम आसानी से निकाल सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो ए सेट के जो एलिमेंट्स थे 2, 3, इनको हटाकर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचे हैं, देखिए आप 1, 4, 5, 6, ये हमको इजीली मिल गए हैं, इसको हम ए डैश बोलते हैं। ये हमारा आंसर फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट बी डैश इसी प्रकार से निकाला हमने, 1, 2, 6। देखिए आप ध्यान से, ये आंसर सेकंड आ गया है, सिंपल है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये जो ए डैश और बी डैश हमने निकाल रखे हैं, इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, देखिए आप 1 कॉमन है और एक 6 कॉमन है, बाकी जो बी डैश में जो 2 है और ए डैश में जो 4, 5, ये अनकॉमन है, तो ये दोनों एलिमेंट्स नहीं लिए हमने, ये हमको आंसर थर्ड मिला। नेक्स्ट देखिए आप, ए यूनियन बी, जो सेट्स दे रखे हैं उसका यूनियन निकाला हमने, दोनों का यूनियन, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक ही बार लिखा। देखिए आप, इसका आंसर में आ जाएगा 2, 3, 4, 5। अब हमको क्या शो करना है, देखिए आप, ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड को ध्यान दिया, ए यूनियन बी होल डैश, इसके लिए हमने सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला जो हमारे को मिला 2, 3, 4, 5। पहले हम निकाल चुके हैं आंसर फोर के माध्यम से, देख सकते हैं हम। फिर हमने लिखा ए यूनियन बी होल डैश, ये जो ए यूनियन बी में 2, 3, 4, 5 जो एलिमेंट्स हैं इनको हटाते हुए यूनिवर्सल सेट में देखिए आप, हमको क्या मिलेगा एलिमेंट्स 1 और 6, और 1 और 6 जो है वो देख सकते हैं आप आंसर थर्ड में, यही ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, हैंस ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। पहली है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यू यूनिवर्सल सेट। सेकंड, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू फाइव नल सेट। डी मॉर्गन्स लॉ देखिए, पहला है ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। फिर एक और लॉ है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए डैश होल डैश इक्वल्स टू ए। कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसी का यदि फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वापस से सेट मिल जाता है हमको। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखिए आप पाई डैश इक्वल्स टू यू यूनिवर्सल सेट। सेकंड है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई। इन जनरल देखिए आप इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम एन यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो करता है, ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि थ्री सेट्स हो ए बी सी तब कौन सा फार्मूला होगा, देखो अप्लाई एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला बहुत कम काम में आता है। स्टूडेंट्स देखिए आप क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी 200 कैन स्पीक इंग्लिश देन हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पर 400 पीपल दे रखे हैं टोटल, उसमें से 250 हिंदी बोल सकते हैं 200 इंग्लिश बोल सकते हैं। हमको ये पता लगाना है हिंदी और इंग्लिश कितने व्यक्ति एक साथ बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने इंग्लिश के लिए ई लिया है देखिए आप और हिंदी के लिए एच लिखा। यहाँ दे रखा है गिवन दैट टोटल पीपल 400 दैट इज एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल्स टू 400 एंड एन ऑफ एच इक्वल्स टू 250 एन ऑफ ई इक्वल्स टू 200। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दैट एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। वी नो दैट फॉर एनी टू फाइनाइट सेट्स एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल्स टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। बट वी हैव टू फाइंड दैट एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच यूनियन ई। ये सारी वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट कर रखी थी इसमें पुट करी है। देखिए 250 प्लस 200 माइनस 400 इट विल बी 450 माइनस 400 एंड 50। सो देयरफॉर एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू 50। देन फाइनली वी कैन से दैट 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब होमवर्क की बारी आती है। इस होमवर्क में आपको हमने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इनको आप सॉल्व करिए, ध्यान से समझिए और कमेंट करिए और पूछिए। तो इस टाइप के सवालों की आप प्रैक्टिस करिए, सम्स की प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिए। थैंक यू।